अगर किसी को भी काली खांसी है, पुरानी से पुरानी खांसी है, या किसी भी तरह की खांसी है, चाहे बीमारी की हो या किसी और वजह से हो, तो मैं आज आपको उससे बचने का एक ऐसा देसी तरीका बताने वाला हूँ जो अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो भाई साहब, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे बलगमी खांसी हो, चाहे काली खांसी हो, चाहे पुरानी खांसी हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक चौथाई लेनी है आपको काली मिर्च, ठीक है, और एक चम्मच लेनी है आपको अजवाइन पूरी भर के, एक चम्मच अजवाइन, ये आ गई एक चम्मच अजवाइन पूरी भर के, ठीक है, ठीक है। काली मिर्च लेनी है एक चौथाई हम, और अजवाइन लेनी है एक चम्मच भर के, ठीक है, और इतनी लेनी है आपको अदरक कम से कम 5 रुपए की, ठीक है। ये हो गई 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों को भैया मिक्सी में ग्राइंड कर लें, यानी इन्हें पीस लें अलग अलग। तो मैंने पीस के पहले तैयार कर चुका है, मैं आपको दिखाऊँ, काली मिर्च भी मैंने पीस ली है और अजवाइन भी पीस ली है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कहा था ताकि लोगों को पता लगे ये अजवाइन है। देखिए ये है 1/4 काली मिर्च, ठीक है, ठीक है, पिसी हुई, और ये है 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई, ठीक है, और भैया ये है अदरक पिसी हुई, ठीक है, अदरक हो गई, ये हो गई अदरक पिसी हुई। अब आपको इन 3 चीज़ों को एक जगह रख लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सारा सामान हटा दो भैया, उधर रख दो। आपको लेना है भैया गुड़, ठीक है, ये मैंने गुड़ तोड़ के बारीक कर लिया है, ये आपको करीब 10 रुपए का गुड़ लेना है, 10 रुपए का, करीब 10 रुपए का गुड़, ठीक है। अब आप गैस चालू कर दो और मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा पानी, इस गुड़ को आपको कम से कम 10 मिनट तक चलाना है ताकि ये गुड़ की पूरी तरह से चाशनी बन जाए। 10 मिनट तक आपको इसको चलाना है जिस ताकि गुड़ की पूरी तरह से चाशनी बन जाए, चाशनी बन जाए। गुड़ आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपके आसपास अगर गांव के रहने वाले हैं, अगर कोई कोलू वगैरह है वहाँ से ले लें, वरना दुकानों पर तो गुड़ मिलता ही मिलता है, मिलता है। आप कहीं से भी गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको बनानी है चाशनी, ठीक। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि कितनी पुरानी खांसी हो इंसान को, चाहे उन लोग, कुछ लोग कहते हैं पुरानी खांसी को काली खांसी कहने लगते हैं, चाहे काली खांसी हो, चाहे पुरानी खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, बलगमी खांसी हो, सूखी खांसी हो, सब में काम करेगा। अगर बलगमी खांसी है तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, और अगर सूखी खांसी है तो उसका तरीका अलग है। मैं आज आपको दोनों तरीके बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, मेरी आजमाई हुई है, कितनी पुरानी पुरानी खांसी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए हमारा गुड़ उबल चुका है, जैसे हम चाहते थे चाशनी की तरह बन चुका है पूरा, ठीक है भैया। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 मसाले थे, अजवाइन 1 चम्मच और 1/2 चम्मच काली मिर्च और 5 रुपए की अदरक, इसे हमें इन 3 को इसमें डालना है। अच्छा, इसमें डाल के और फिर इसे इसी तरह से चलाना है जैसे हम चला रहे थे, ठीक है। तीनों चीज़ डालनी, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन और 5 रुपए की अदरक, हम ये सब खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके अंदर, ताकि हमारी 3 चीज़ें इसके अंदर मिल जाएं। अच्छा भाई साहब, अब आपको करना क्या है भाई साहब, अगर आपको बलगमी खांसी है, किसी को बलगम आता है, कफ आता है, तब तो आप इसे सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करें जितना फार्मूला मैंने बना दिया। और अगर किसी को बलगमी खांसी नहीं है, सूखी खांसी है, तो भैया आपको 1 चम्मच इसमें डालना है देसी घी 1 चम्मच देसी घी, जिन्हें खांसी जो है सूखी खांसी है। बलगमी खांसी में डालेंगे तो बलगम बढ़ जाएगा, अच्छा, और सूखी खांसी में डालेंगे तो ये फ़ायदा करेगा, सूखी खांसी को ठीक कर देगा। डाल दिया हमने 1 चम्मच देसी घी। तरीका आपने देख लिया बनाने का, कितना आसान तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेहद आसान तरीके से ये बन जाता है। हमने तो 3 चीज़ें डाली थी, इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी हैं। अब हम इसको एक प्याली में कर लेंगे, और ये एक बार का बनाया हुआ फॉर्मूला आपके लिए 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं इसे, आप 3 दिन तक काम करेगा। खाना कैसे है, सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच खाना है आपको इसको, सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच खाना है। आप देखेंगे किसी भी तरह की खांसी हो आपकी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गैस बंद कर दो भैया। अभी हमारा तैयार हो चुका है और हमने इसे एक प्याली में निकाल लिया। ये एक ऐसा फॉर्मूला बनाया भैया, 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक इसे यूज़ करें, 3 दिन बाद फिर बना लें।
और हो सकता है 3 दिन के बाद आपको बनाने की नौबत ही ना आए, 3 दिन में ही आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाए, समझे आप? समझ। चीज़ें याद रखना, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच अजवाइन, 5 रुपये की अदरक, और अगर सूखी खांसी है तो घी, तो 1 चम्मच देसी घी, शुद्ध देसी घी, मिलावट का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको लेनी है। अभी हमारी दवा बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये बनाया हमने देसी घी डाल के सूखी खांसी वालों के लिए, सूखी खांसी वालों के, और जिन्हें सूखी खांसी नहीं है, बलगमी खांसी है, वो देसी घी ना डालें, बाकी और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सिर्फ डाल के आप फार्मूला बना लें। इतनी बेहतरीन ये दादी नानी का टोटका है, किसी भी तरह की आपकी खांसी हो भाई साहब, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बलगमी खांसी हो, काली खांसी हो, सूखी खांसी हो, पुरानी खांसी हो, कुत्ता खांसी हो, या खाली ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये एक ऐसी दवा बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। आप इसे 3 दिन यूज़ करें, 3 दिन के बाद हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, फिर ज़रूरत पड़े तो इसी तरह से आप 3 दिन के लिए और बना लें। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये दवा बन चुकी है, आप चाहो तो इसे ले आ सकते हो अपने घर पर। ठीक है भैया, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये लीजिए आप। ठीक है, ठीक है भैया।